पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त को लेकर एक अपडेट आ चुकी है। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार कितने किसानों को कितनी एक साथ किस्तें प्राप्त होने वाली हैं। जैसे कि अगर आपका पिछला कुछ भी पेमेंट बाकी है, जो भी किस्तें आपकी बाकी हैं, तो वो इस बार आपको कितनी किस्तों का पैसा मिलेगा। एक साथ में आपको दो किस्तें प्राप्त होंगी, अगर आपकी चार किस्तें बाकी हैं तो क्या आपको इस बार चारों किस्तों का पैसा एक साथ मिल जाएगा, या फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिया जाएगा। जैसे कि पिछली बार ऐसा हुआ था, 17वीं किस्त के दौरान जितने भी किसान ऐसे थे जिनको 16वीं किस्त का और 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उनको एक या दो किस्तों का पैसा पहले ही दे दिया गया था। लगभग 8 दिन पहले उनको प्रोवाइड करा दिया गया था डायरेक्टली, बगैर कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी अपडेट के गवर्नमेंट की तरफ से उन सभी किसानों के अकाउंट में पैसे को भेज दिया गया था। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली 17वीं किस्त आप सभी किसानों को 18 जून 2024 में मिल गई थी। यहां पर मैं आपको एक पासबुक का एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, जहां पे आप क्लियर देख सकते हैं 17वीं किस्त के आने से 10 दिन पहले ही एक पिछली बाकी किस्त का अमाउंट गवर्नमेंट ने इन पीएम किसान सम्मान निधि धारक के अकाउंट में भेज दिया था, जो कि यहाँ पे आप डेट क्लियर देख सकते हैं। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है और लगभग ऐसा होता चला आया है। मतलब गवर्नमेंट कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों का पैसा नहीं रोक कर रखती है। अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तभी आपका पैसा रुकता है। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक है, EKYC, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग आपकी यस हो रखी है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट में NPCI के माध्यम से प्रॉपर लिंक है, तो फिर आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपका पिछली कितनी भी किस्तों का पैसा आपका बाकी रह गया हो, डेफिनेटली आपको इस बार 18वीं किस्त के आने तक सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा। ये बात अलग है कि अगर आपकी चार किस्तें बाकी हैं तो हो सकता है कि दो किस्तों का पैसा आपको 8 या 10 दिन पहले ही गवर्नमेंट के थ्रू इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, और 18वीं किस्त के दौरान आपको जिस दिन 18वीं किस्त का अनाउंसमेंट होगा कि कौन सी डेट में आपको पैसा मिलेगा, उस डेट में आपको दो किस्तें प्राप्त हो जाएं। तो यहां पर बताने का मतलब सिर्फ यही है कि आपकी पिछली जितनी भी बाकी किस्तें हैं, इस बार गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया है, डेटा जारी हो चुका है कि भाई आपको सभी किस्तों का पैसा 18वीं किस्त के आने तक सब कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से 18वीं किस्त को लेकर कितनी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, और अभी भी काफी सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इधर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इधर आपका अप्रूवल मिल जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम 4 या 5 दिन ही लगते हैं, और स्टेट लेवल से भी आपको अप्रूवल मिल रहा है। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम चलते हैं। यहाँ पर अभी मैं एक पीएम किसान सम्मान निधि का एक स्टेटस चेक करके आपको दिखा देता हूँ। हाल ही में उनका रजिस्ट्रेशन किया गया था। यहाँ पर हमने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर दिया है और इस कैप्चा कोड भी यहाँ पे हमने सही से फिल कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसको सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन डेट दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, 12 सितंबर 2024 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और आज की डेट है 17 सितंबर 2024। और यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, अप्रूव्ड बाई स्टेट पुट पेंडिंग फॉर फर्दर प्रोसेस, यानी कि इस पीएम किसान सम्मान निधि के एप्लीकेशन को स्टेट लेवल से तक अप्रूवल मिल चुका है। अब बस आगे की तैयारियां की जा रही हैं, और जैसे ही इसका बेनिफिशियरी क्रिएट हो जाएगा, और डेफिनेटली गारंटी के साथ में 18वीं किस्त का पैसा इस प्रकार के सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को मिलेगा जिन्होंने इस महीने में भी अपना रजिस्ट्रेशन किया है। और अभी तक आपने भी अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही कम समय में आपको अप्रूवल मिल रहा है। बट आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि जो इस योजना में अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते टाइम एक गलती कर देते हैं, और वो ये करते हैं कि आप जो फर्द यहां पे अपलोड करते हैं आपके आवेदन करने में, वो आप सिस्टम या मोबाइल से निकाल कर ही कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है। आपको आपकी तहसील से निकलवा कर आपकी फर्द को अपलोड करना है, तो डेफिनेटली आपको क्विकली आपका जो है अप्रूवल मिलता चला जाता है। ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल से आपको तुरंत अप्रूवल मिलता है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपका भी अप्रूवल क्विकली हो जाएगा। बट आपको सही से सावधानी से इसको अप्लाई कर देना होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अपडेट निकलकर यही आ रही है कि अगर आपकी EKYC, आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, आपकी EKYC, लैंड सीडिंग और आपका आधार सीडिंग ओके है, तो डेफिनेटली आपको सभी किस्तों का पैसा मिलेगा। बट हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रोवाइड कराया जाए, बट डेफिनेटली 18वीं किस्त तक सभी आपको पैसा मिल जाएगा। अब इसी के साथ एक जरूरी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूं कि भाई 18वीं किस्त कौन सी डेट में आएगी और किस मंथ में आपको यह पैसा मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, अब 18वीं किस्त को लेकर अपडेट निकलकर यह आ रही है कि भाई 10 अक्टूबर से लेकर
28 अक्टूबर तक आपको ये पैसा प्राप्त हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट निकल कर आएगी, सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय।